आज के स्पीडो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को दिया है द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 500 एंड एसपी इज रुपीज़ 600, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक आर्टिकल की सीपी 500 है जबकि उस आर्टिकल की एसपी 600 है, तो बताइए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को आर्टिकल की सीपी दे रखी है जो कि कितनी है 500 रुपीज़, और एसपी कितना दिया है, एसपी हम लोगों को दे रखा है 600, करेक्ट। अब हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस है और हम लोगों के पास में सेलिंग प्राइस है, तो क्लियरली हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसपी में से माइनस कर देते हैं सीपी को। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, एसपी की जगह पर एसपी रख देते हैं जो कि कितनी है 600 रुपीज़, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, कॉस्ट प्राइस को, और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, दैट इज 500 रुपीज़। तो 600 में से अब 500 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 100 रुपीज़। इसका मतलब हम लोगों को प्रॉफिट पता चला जो कि कितना है 100 रुपीज़, जबकि हम लोगों को निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो अब तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इन टू 100। अब जस्ट करना क्या है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, कितना 100 रुपीज़ रख देते हैं 100 अपॉन सी पी, सी पी कितनी दे रखी है 500 ना रखी है, तो यहाँ पे 500 इन टू 100 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। देखिए 00 से 00 कैंसिल, अब 5 से 100 को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा 20। इसका मतलब क्या आंसर निकल के आता है, 20% प्रॉफिट। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।